ग्राम विकास एवं सुधार समिति डबरोक के प्रधान तेजनाथ शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर से मिला और मांग की है कि ग्राम पंचायत परछवाड़ से हटाकर नगर परिषद सरकाघाट से न जोड़ा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इनके क्षेत्र को नगर परिषद सरकाघाट से जोड़ा गया तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। वहीं उपायुक्त मंडी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिलाया है कि इस मामले पर गहनता से विचार किया जाएगा और ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं तेजनाथ शर्मा, प्रधान ग्राम विकास एवं सुधार समिति डबरोग सरकाघाट से यहाँ डीसी साहब से मिलने के लिए हम आए हुए थे। प्रतिनिधि मंडल हमारा, तो हमारी समस्या ये है सर कि हमें जबरन ग्राम पंचायत बरछवाड़ से निकाल करके ग्राम पंचायत नगर परिषद सरकाघाट में डाल दिया, जबकि हमारे गांव की वस्तु स्थिति ये है कि हमारा जो स्तर है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण है। हम मैक्सिमम, मतलब हमारे जो गांव के लोग हैं वो मैक्सिमम किसान हैं, किसानों के साथ बागवान हैं और पशुपालक हैं और उसके साथ मजदूर हैं और युवा बेरोजगार हैं बेचारे। तो हमें पंचायत में बहुत से ऐसे लाभ हैं जो गाँव को मिलते हैं, गांव को मिलते हैं, परंतु जब हमें नगर परिषद में डाल दिया है तो हमारे बहुत से हक हकूक जो हैं, हमारे जो मुफाद हैं, वो वहाँ ख़त्म हो गए। जैसे मनरेगा है, उसका लाभ हमारे ग्रामीणों को नहीं मिला। इसके साथ किसानों को जो सरकार की तरफ से विशेष नीतियाँ बनाई गई हैं और लाभ दिए गए हैं, उनसे भी सारे किसान जो हैं वो वंचित हो गए। बागवानी के जो हमें लाभ मुफाद मिलेंगे, उनसे भी हम वंचित हो गए। तो इस कारण हमारे सारे ग्रामीण जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ग्राम पंचायत बिछवाड़ में ही पहले की भांति वहीं रहने दिया जाए और वहीं हमारे आका कूक भी सुरक्षित हैं और उस ग्राम पंचायत बिछवाड़ के साथ हमारा बहु बेटी का साथ है, हमारी ज़मीन वहाँ पे है, सारी व्यवस्था वहाँ उस में है। हमें तो जबरन जो है वो सरकाघाट में डाल दिया गया है। तो यही प्रार्थना लेकर के हम डीसी साहब जी से मिलने के लिए मंडी में आए हुए थे कि हमारी ये जो प्रार्थना है, ये जो हमारी एक निवेदन है, इसको कबूल करें और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक आदेश आया हुआ है जिसमें माननीय डीसी साहब को निर्देशित किया गया है कि वो हमारे लिए, हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुने और हमारे लिए एक उपयुक्त और उचित निर्णय जो है वो दें। तो इस को लेकर के भी हम जिला मंडी डीसी साहब से मिलने के लिए आए हुए थे और डीसी साहब ने हमारी समस्याओं को बड़ी गंभीरता से, बड़ी संयम से सुना और एक आश्वासन हमें दिया है जिससे हम प्रसन्न हैं कि हमारे साथ न्याय होगा और सभी ग्रामीण जो है हम न्याय